कहीं और कौन कौन से जंगल वगैरह में जाना पड़ेगा? भाई अलाउद्दीन, आराम से सरहद पार करते हो? फंस गया वो डूबना ऊपर ट्रेन के नीचे और पार हो रहे हैं कि हम यहाँ से निकले। और सुंदर नर्सरी में जाने से पहले हमने पार किया, 3-4 ट्रेनें थे उनके नीचे से हम पार होकर इस तरफ आए हैं ताकि हमें 10-15 किलोमीटर ऑटो या फिर बस ना लेके हम पैदल ही जा सकें। ये इंद्रप्रस्थ रेलवे स्टेशन है और ये बंद पड़ा हुआ है जब से लॉकडाउन है, तो आप इसका नज़ारा देख सकते हो, सारे ट्रेन ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये कौन सा जंगल है? ये जंगल पार होते हुए हम जा रहे हैं। हम इंद्रप्रस्थ पार्क में आए थे, यहाँ से पास पड़ रहा था तो हमने सोचा सिर्फ रेलवे ट्रैक पार करना है और सुंदर नजरिया आ जाएगा, तो हमने वही रेलवे ट्रैक पार किया और वहीं एक छोटा सा गली सा गया हुआ है गुरुद्वारे के लिए। गुरुद्वारा होते हुए यहाँ से पानी वगैरह पियेंगे और हम जाएंगे सुंदरबन, सुंदर नर्सरी। ये हुमायूं टॉम के पीछे जो गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे का और ये फोटेज देख रहे हो आप लोग, टॉम के पीछे का दीवार है, देखो कितना हाइट है इसका। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम सुंदर नर्सरी चलते चलते पहुंच ही गए हैं। ये सुंदर नर्सरी का एंट्री गेट है और एंट्री फीस 35 रुपये है। 15 साल की उम्र से कम के बच्चे हैं तो उनका एंट्री फीस 15 रुपये है, मैं बाकी चार्ज डाल दूँगा। ये एंट्री गेट है, मेन एंट्री गेट, और अब हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। सामने टिकट काउंटर है, टिकट कटवाएंगे। ये टिकट काउंटर है, उनमें एंट्री किए हैं, वहाँ से टिकट लिया और यहाँ पे मैप है सुंदरबन का। एंट्री करने के बाद इस तरह का कुछ व्यू होगा आप लोगों के सामने। 1913 को ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है। 16वीं शताब्दी में ये कुछ इस तरह का था और 1913 को ये ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इसको इम्प्रूव किया गया है। रोड वगैरह अच्छे से बनाए गए हैं और अच्छे से इसको गार्डन में तब्दील किया गया है। और मोनूमेंट्स में आप देख सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें आप मोनूमेंट्स में देखेंगे। तो गाइस, इंस्ट्रक्शन बोर्ड आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखेंगे सुंदर बुर्ज और सनकन गार्डन, पैराडाइज गार्डन, पश्चिमी नर्सरी जोन और सुविधाएँ लाइक पानी वगैरह, कमल कुंड, एम्पी थिएटर और सुंदरवाला महल और मिर्जा मुजफ्फर हुसैन मकबरा, सारे हमारे राइट साइड में होगा, इस साइड होगा। गाइस, हम सुंदर बुर्ज की तरफ आ गए हैं और ये मेरे पीछे रहा सुंदर बुर्ज। सुंदर बुर्ज की खासियत क्या है? इसके अंदर जो ये ऊपर गुंबद देख रहे हो, इसके ऊपर तारेनुमा शेप बनाया गया है और बहुत सारे डिज़ाइन इसके अंदर दिया गया है। ये कुरान की आयतें लिखा हुआ है इसमें और देखिए कितनी खूबसूरत है ना। सुंदरबुज की यही सब खासियत है, इसके चारों तरफ कुरान की आयतें लिखी गई है और ऊपर इसका जो गुंबद है ऊपर देखिए बहुत ही अच्छे से नक्काशी की गई है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा होगा। वाओ, सुंदरबन का जो सेंट्रल एक्सिस है वो 2010 में कंस्ट्रक्ट किया गया है, इससे पहले इसका डिज़ाइन इस तरह का नहीं था, कुछ अलग था। पहुंच गए हैं सुंदरबन महल, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी मुगल कालीन का है ये चौकोर मकबरे की कब्रगाह के चारों तरफ 8 कमरे हैं जो हस्त वशिष्ठ यानी 8 पुरानी जन्नतों को दर्शाते हैं। तो चलिए इसकी तरफ जाते हैं, इसके पास और अच्छे से इसको दिखाते हैं। इसकी हालत कुछ इस तरह की हो गई थी जिसको रिकन्स्ट्रक्शन करने के बाद इसको चमका दिया गया है और अब जो नज़ारा आप देख रहे हो इसका न्यू फेस है। अंदर में आ गया तो अंधेरा सा है और चारों तरफ देखिए 8 कमरे हैं और बीच में बाहर जाने के लिए दरवाजे भी हैं। इस तरह के जंगल हैं इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपल्स यहीं पे आते हैं, चारों तरफ जंगल ही जंगल, बीच में ऐसी पतले पतले रोड है। ये लोटस पॉन्ड गार्डन है, लोटस पॉन्ड गार्डन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओ वाह,
इसका शेप जो है वो भी कमल की तरह है और इसके अंदर भी कमल के फूल ही लगे हैं सारे। यहाँ पे एक देवी जी की मूर्ति भी लगी हुई है और लग रहा है ये पूरा लकड़ी से बनाया गया है। साइड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे छोटा सा एक कैंटीन है। कितना ज़्यादा जंगल हो गया देखो, ये सब लॉकडाउन की वजह से हुआ है। ये मिर्जा मुजफ्फर हुसैन का मकबरा है। मिर्जा मुजफ्फर हुसैन जो है बादशाह अकबर के दामाद का यह मकबरा और बगीचा का एक दुर्लभ ढांचा है। तो दुर्लभ ढांचे को कुछ देख लो इस तरह से। एंट्री करने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा आप देखेंगे और ये अंदर अंधेरा सा है, दिख रहा है साफ साफ। चारों तरफ कमरे हैं और बीच में मकबरा है, इससे पहले जो हमने देखा था बिल्कुल वैसे ही। पहले हम जाएंगे मुगल गार्डन पवेलियन देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे झील देखने। ये लॉक है, इसके अंदर नहीं जा सकते, तो हम चारों तरफ घुमा सकते हैं आपको। पीछे से रास्ता है, दोस्तों अगर आपको सुंदर नर्सरी घूमने आना है तो अकेले मत आइएगा, या फ्रेंड्स के साथ आइएगा या फिर गर्लफ्रेंड के साथ आइएगा, क्योंकि चारों तरफ देख सकते हैं जंगल ही जंगल है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम लोग घूम रहे हैं 1-1.5 घंटे से और अभी एक कोना कवर हुआ है, अभी बहुत कुछ रह गया है, तो धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। अब हम झील देखने जा रहे हैं और छोटे छोटे जा क्या जंगल से गुजरे और एक पीता आ जाए और से राजा है। बहुत लंबा चलना पड़ेगा वहीं से। साइट फॉर गार्डन हाउस, ये हम आ गए हैं साइट फॉर गार्डन हाउस में। मदर प्लानट सेक्शन, ये बोनसाई हाउस जब बन रहा था उस समय कुछ फोटोज, अभी अंदर भी जाएंगे बोनसाई हाउस में। बोनसाई हाउस में बहुत सारे पेड़ लगे हैं, देखिए छोटे छोटे बरगद का कितना छोटा सा पेड़। गुलाब बाग, औषधि बाग, लक्कर वाला बुर्ज, झील भी है सामने, अजीमगंज सराय फोर्ट कोर्ट। ये अभी जो हम हैं अजीमगंज सराय फोर्ट कोर्ट पे है। अजीमगंज सराय फोर्ट के बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और फाइनली हम लेक में आ गए हैं। यहाँ पे दो फव्वारे लगे हैं, फाउंटेन वन अनदर वन यहाँ पे इधर लगे हैं। अब हम जा रहे हैं लक्कड़ वाला बुर्ज की तरफ और चारों तरफ रोज़ गार्डन है। बुर्ज की तरफ एंट्री कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन यह है कि अंदर नहीं जा सकते, गेट लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे गार्डन है, ये यहाँ से लेकर वाओ नज़ारा देखो। मैं अपने दोस्तों के साथ आया था, राज को मैं इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ अलाउद्दीन, और बाद में हमारे साथ जुड़ा था शाजिद। दोस्तों सुंदर नर्सरी का हम लास्ट पोर्शन हम कवर कर रहे हैं, औषधि उद्यान। ये हम अभी औषधि उद्यान में हैं। औषधि उद्यान में ये बहुत सारे जड़ी बूटी वगैरह लगाए गए हैं यहाँ पे, और ये लास्ट हमारा पोर्शन होगा, इसके बाद हम बाहर निकल जाएंगे। पूरा हमने जो सुंदर नर्सरी में जितने भी चीज़ कवर की जा सकती है वो सब कुछ हमने इसमें कवर की है, झील से लेकर हर एक कोना तक। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। टाटा, बाय बाय।